तो गाइस ये वीडियो होने वाली है अनकट, यानी कि इस वीडियो में जो कुछ आपको बैकग्राउंड नॉइज सुनाई देगा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बेकी लिंच को निकाल दिया रेसलमेनिया से WWE ने। डीन एम्ब्रोस ने क्यों किया विश सेथ रॉलिंस को और नए चैंपियन बने द रिवाइवल से। इस वीडियो को अंत तक देखिए। मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं रेसलिंग मसाला। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शो की शुरुआत में देखने को मिलता है स्टेफनी मैकमैन ट्रिपल एच और बेकी लिंच का एक सेगमेंट, जिसमें स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच कहती है कि तुम हमें सॉरी बोलो, हम तुम्हें रेसलमेनिया में जाने की इजाज़त दे देंगे। तो गाइस बेकी लिंच कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है और तुम मेरे साथ से खिलवाड़ करोगी। तभी ट्रिपल एच कहते हैं कि तुम्हें सोचने के लिए मौका दे रहा हूँ, तुम जाओ सोचो, सुपरस्टार से एडवाइस लो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है ट्रिपल टेट विमेंस टैग टीम मैच, जिसमें होते तमीना नायचेक्स और साशा बैंक्स और बेली और होते लिव मॉर्गन और सारा लोगन। इस मैच में गाइस तमीना और नायचेक्स जीत हासिल करती है। उसके बाद गाइस हमें एलेक्स का सेगमेंट देखने को मिलता है, जिस पर लूसा उस पार्टी इंटरप्ट करती है। उसके बाद ही कुछ देर बाद एलेक्स कलिस्टो के ऊपर गिटार तोड़ देते हैं। उसके बाद गाइस फिन बैलर से ड्रू मैकइंटायर मैच देखने को मिलते हैं हमें। इस मैच में गाइस बॉबी लेशली का इंटरप्ट की वजह से मैच बंद हो जाता है। उसके बाद ही ड्रू मैकइंटायर और बॉबी लेशली अटैक करते हैं फिन बैलर के ऊपर। उसके बाद कर्ट एंगल भी आ जाते हैं और कर्ट एंगल सब पे हावी हो जाते हैं। उसके बाद बैरन कॉर्बिन भी मार देते हैं। उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन की भी एंट्री होती है और सबको तहस नहस कर देते हैं, यानी कि उसके बाद मैच सेट हो जाता है सिक्स मैन टैग टीम मैच, जिसमें होते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन, कर्ट एंगल और फिन बैलर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, बैरन कॉर्बिन और बॉबी लेशली। इस मैच में गाइस ये होता है कि बॉबी लेशली किसी तरह से पिन कर देते हैं फिन बैलर को, बस उनका पैर रोप्स के पार ही लगा रहता है और रेफरी कहते हैं कि बॉबी लेशली जीत गए, पर ऑफिशियल डिसीजन से ही ये मैच फिर से शुरू हो जाता है और मैच में जीत हासिल करते हैं फेस टीम, यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन और कर्ट एंगल और फिन बैलर। उसके बाद एक वीमेंस का मैच देखने को मिलता है निकी ग्रॉस वर्सेस रूबी रॉयल्ट के बीच, तो गाइस इस मैच में जीत हासिल करती है रूबी रॉयल्ट। उसके बाद गाइस हमें सेट रॉलिंस आते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे, यानी कि वो उनके पूरे एक साल का प्रीव्यू देखते हैं, यानी कि क्या कुछ उन्होंने किया एक साल में, जाइंट मैच में जीते और वो ये भी कहते हैं सिक्स अपॉय मुझे पड़े और मैं तभी भी यहाँ पर खड़ा हूँ। उसके बाद ही गाइस पॉल हेमन इंटरप्ट कर देते हैं और वो सेथ रॉलिंस की भी तारीफ करते हैं और बाद में अपने बिग बॉय की भी तारीफ कर देते हैं। उसके बाद गाइस डीन एम्ब्रोस रिंग में आकर और वो कहते हैं स्ले द बीस्ट, यानी कि बीस्ट को तुम हराओ रेसलमेनिया 35 में। उसके बाद डीन एम्ब्रोस वैसे इसी थ्री मैच देखने को मिलता है। इस मैच में डीन एम्ब्रोस रोलअप की जगह पिन हासिल कर लेते हैं इसी थ्री से, यानी कि जीत लेते हैं इसी थ्री से। उसके बाद हमें देखने को मिलता है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए बॉबी रूड एंड चैट गेबल वर्सेस रिवाइवल्स। इस मैच में गाइस दोनों के भी शानदार परफॉर्मेंस और जीत हासिल करते हैं, यानी कि न्यू टैग टीम चैंपियन देखने को मिलते हैं रिवाइवल्स। उसके बाद गाइस हमें स्टेफनी मैकमैन ट्रिपल एच और बेकी लिंच हमें फिर से नजर आती है और गाइस बेकी लिंच कहती है कि मुझे रेसलमेनिया में जाना है और आपको मैं सॉरी कह रही हूँ। उसके बाद गाइस ट्रिपल एच कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं कि तुम जा रहे हो रेसलमेनिया में। उसके बाद ही गाइस विंस मैकमैन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा एटीट्यूड मुझे पसंद है और मैं बैड एक विमेन को लाया हूँ, और वो कहते हैं कि तो बेकी लिंच तुम 60 डेज के लिए हो चुकी हो सस्पेंड। गाइस रिंग में रोंडा राउसी भी होती है और वो भी इस चीज़ को देखकर शॉक हो जाती है और विंस मैकमैन अनाउंस करते हैं, यानी कि रिप्लेस करेंगी बेकी लिंच को एट रेसलमेनिया, वो आने वाली शार्लेट फ्लेयर। तो बस आज की यह वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगी तो वीडियो को नीचे लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस मंडे नाइट रॉ में कैसी आपको लगी और इस मंडे नाइट रॉ को आप कितने स्टार देना चाहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अब तक लेना ही शबा क्या है।